गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हमारे बीए सेकंड ईयर अंडरस्टैंडिंग सर्विस स्वयं की समान विषय का जानेंगे रोल मॉडल, जिसको हम कहते हैं अनुकरणीय व्यक्ति भी कहते हैं। अनुकरणीय व्यक्ति, ठीक है, अर्थात इसका तात्पर्य है वह इंसान या वह व्यक्ति विशेष जिसके गुणों को अनुकरण करते हैं हम, उसको गुणों को हम सीखते हैं, तो ये आता है रोल मॉडल के अंतर्गत। हमारे जीवन की जब हम सफलताओं को छूते हैं, नई नई ऊंचाई को छूते हैं, तो उसके पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। यह हम नहीं कह सकते हम किसी के आदतों को, किसी के व्यवहार को अपने जीवन में लाते हैं और उसके व्यवहार के हिसाब से भी अपना व्यवहार करते हैं। तो इस तरह से अनुकरणीय व्यक्ति वो पर्सन होता है जिसकी अच्छाइयों को हम हमारे जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। ये अवधारणा अति प्राचीन अवधारणा है। प्राचीन से भी हम देखते हैं कि रामायण काल में भी श्री राम के प्रति भरत का जो प्यार होता था, स्नेह होता था, उसके प्रति वो अपने राजपाट को न अपनाते हुए उनके मान सम्मान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाता है। और इस तरह से उस भरत के स्नेह को भी कई लोग अपने भातृत्व प्रेम के संदर्भ समझते, उनके इस विशेषताओं को अपनाते हैं और रोल मॉडल के रूप में जानते हैं। तो अब जब रोल मॉडल की बात करते हैं, तो इसके जो विकसित करने का जो श्रेय है वो है रॉबर्ट के मार्टन। रॉबर्ट के मार्टन जो कि एक समाजशास्त्री थे, ठीक है, समाजशास्त्री थे रॉबर्ट के मार्टन, जिन्होंने इस रोल मॉडल की अवधारणा को लाने का श्रेय किया, अपने संदर्भ में उन्होंने परिभाषित किया कि रोल मॉडल होता क्या है, ठीक है। जो आविष्कार है इन्होंने अपने व्यवसायिक जीवन में किया, ठीक है, अपने व्यवसायिक जीवन में हम कह सकते हैं इन्होंने इसका आविष्कार किया, रोल मॉडल को इन्होंने अपनाया, ठीक है, कि अपने जीवन की सफलताओं के पीछे कोई ना कोई आदर्श व्यक्ति होता ही है जिसके माध्यम से हम उसका अनुसरण करते उसकी जीवन की अच्छाइयों को अपनाते हैं। तो यह है रोल मॉडल का जो परिचय और हमें इसके बारे में जाना कि यह किसने लाया। अब इसके संदर्भ में जो परिभाषा है उन परिभाषाओं को हम समझ लेते हैं कि इसके संदर्भ में क्या है। सबसे पहले है प्रोफेसर एस के, प्रोफेसर एस के जिसे कहना चाहते हैं आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति से आश्रय आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति, आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति उस व्यक्ति से होता है, ठीक है, आदर्श या अनुकरणीय उस व्यक्ति से होता है जो कि सामाजिक शैक्षिक एवं क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति उस व्यक्ति से होता है क्योंकि सामाजिक शैक्षिक या क्षेत्र विशेष में विशेष योग्यता रखता है तथा अपनी
विशेषताओं के कारण ही जन सामान्य के आकर्षण का केंद्र बन जाता है। उसके कार्य एवं व्यवहार से दूसरों के कार्य व्यवहार को प्रेरणा मिलती है। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखी है प्रोफेसर एस के व्यक्ति आदर्श अनुकरणीय व्यक्ति के संदर्भ में। इन्होंने क्या कहा है, आदर्श अनुकरणीय व्यक्ति उस व्यक्ति से होता है जो अपनी सामाजिक, अपनी शैक्षिक और अपने क्षेत्र विशेष विशेष योग्यता रखता है। इन क्षेत्रों में से विशेष की करने की योग्यता है तथा अपनी विशेषताओं के कारण ही अपनी विशेषताओं का कारण क्या रहता है, जन सामान्य आकर्षण केंद्र बन जाता है। लोग उसको काफी अच्छा मानते हैं और लोग उसको बेहतर प्रदान करते हैं। उनके उसके कार्य व्यवहार से दूसरों को कार्य व्यवहार में प्रेरणा मिलती है कि हम किसी किसी कार्य व्यवहार से उसको प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमको भी जीवन में ऐसा करना है। तो ये परिभाषा थी प्रोफेसर एस के दुबे के संदर्भ में। अब हम उसी परिभाषा जान लेते हैं कि श्रीमती आर के शर्मा इसके संदर्भ में क्या कहना चाहते हैं। परिभाषा श्रीमती आर के शर्मा, ठीक है, ये कहना चाहते हैं आदर्श या अनुकरणीय व्यक्ति वह होता है जो कि सामाजिक, शैक्षिक एवं सांसारिक दृष्टि से सफल एवं प्रसिद्ध होता है तथा उसका कार्य व्यवहार असाधारण गतिविधियों एवं विशेषताओं से युक्त होता है जिससे वह संपूर्ण समाज के आकर्षण का केंद्र बनकर अन्य व्यक्तियों के कार्य एवं व्यवहार को
प्रदान, ठीक है। ये परिभाषा दी गई है श्रीमती आर के शर्मा की। इन्होंने कहा है आदर्श अनुकरणीय व्यक्ति वह होता है जो कि समाज की शैक्षिक एवं सामाजिक दृष्टि से सफल एवं प्रसिद्ध है सामाजिक दृष्टि से तथा उसका कार्य व्यवहार असाधारण गतिविधियों और विशेषताओं से युक्त होता है, ठीक है। कार्य कैसा है असाधारण गतिविधि है और विशेषता से युक्त होता है जिससे वह संपूर्ण समाज के आकर्षण का केंद्र बनकर अन्य व्यक्ति के कार्य व्यवहार से होता है। शब्द कुल मिलाकर रोल मॉडल वह है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है, दूसरों के लिए कार्य व्यवहार को प्रेरणा देता है। इस तरीके से हमने आज क्लास में जो रोल मॉडल है उसके बारे में जाना, संक्षेप को जाना और उसकी परिभाषाओं को समझा कि रोल मॉडल होता क्या है। अब इससे रिगार्डिंग आज का आपका होमवर्क है, रोल मॉडल की अवधारणा एवं परिभाषाओं को बताइए। तो इसमें सारे में क्लास के रोल मॉडल के बारे में आपको अवधारणा परिभाषा बताना, इसके बारे में आपको अपना होमवर्क करना है। स्कूल से हमने हमको साथ ही पता करनी है, इस बच्चा का पालन करना है और हमको शीघ्र अपना वैक्सीनेशन अवश्य करवाना है। थैंक यू।